यहाँ पे आप नीचे की तरफ भी देखिए, यहाँ पे भी काफी सारे आपको एयर बबल देखने को मिलने वाले हैं, बट स्टिल कस्टमर इनके सर्विसेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। मजेदार बात पता क्या है इस गाड़ी की, काफी अच्छा मोटा पैसा खर्च करके पीपीएफ ऑलरेडी कस्टमर करा चुके हैं पंजाब से, बट कस्टमर ने कार हमारे पास फिर से भेजी है कि हम इस पूरी कार की पीपीएफ को रिमूव करें और फिर से हम लोग इसके ऊपर गरवारे का पीपीएफ इंस्टॉल एप्लीकेशन करेंगे। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल कार स्टाइलिन। मैं हूं सपना शर्मा और फिर से आपका कार स्टाइलिन के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। करूंगी वो इस स्विफ्ट के ऊपर करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक बीस्ट है जो हमारे पास आई है ऑल द वे फ्रॉम पंजाब से। मैं नाम नहीं लूंगी कि आखिर वो डिटेलिंग स्टूडियो कौन सा है, बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपनी किसी भी बीस्ट के लिए, ब्यूटी के लिए अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट जानो कि आखिर आपकी कार के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, उसके बाद ही अपना हार्ड एंड मनी उस डिटेलर को दो आपकी कार के ऊपर वर्क करने के लिए। तो गाइस आप यहां देखेंगे इस पे ऑलरेडी पीपीएफ हो रखी है, बट कस्टमर ने कार हमारे पास फिर से भेजी है कि हम इस पूरी कार की पीपीएफ को रिमूव करें और फिर से हम लोग इसके ऊपर गरवारे का पीपीएफ इंस्टॉल एप्लीकेशन करेंगे, उसमें हम लोग प्लस सीरीज इंस्टॉल करेंगे। तो अभी एक बार पीपीएफ उतारने से पहले कार की कंडीशन देख लेते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या इशू आए हैं वो देख लेते हैं। तो फटाफट से आप आइए, पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोजअप लीजिए, काफ़ी सारे कार में आपको बबल्स, एयर बबल दिखाई देने को मिलेंगे। ये वाटर बबल नहीं है और अभी इसको हुए हुए ही कस्टमर ने मुझे बताया था कि मैम अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ है इस कार को मैंने रेडी कराया है और एक महीने में काफ़ी सारी हालत आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे की तरफ भी देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको एयर बबल देखने को मिलने वाले हैं, प्लस यहाँ पे एक जॉइंट भी दिया गया है सेंटर पे, तो वो भी आप देखिए, एयर बबल काफ़ी सारी जगह आ गए हैं। यहाँ देखिए आप पूरा, मतलब कस्टमर ने अच्छा खासा अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके पैसे दिए हैं, टाइम दिया है, उसके बाद इस तरीके की उनको सर्विस मिली है। यहाँ भी आप इसकी पूरी कार की कंडीशन देख सकते हैं, पूरा ओवरऑल देख सकते हैं, इवन आप इसके कॉर्नर्स भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो किस तरीके से कट किया गया है, ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो गाइज, और इवन काफ़ी सारे पार्ट्स में काफ़ी सारे डस्ट भी इवन आई हुई है। गाइज यू नो वॉट, आप पीपीएफ कहीं भी करा सकते हैं, बट उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो पूरा कवर होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे डिटेलर्स जो हैं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगी, वो कहीं पे भी पीपीएफ कर रहे हैं उसमें क्या काफ़ी सारी डस्ट आ रही है और जो उनके जो पर्सन्स होते हैं, एप्लीकेटर्स होते हैं, वो फुली ट्रेंड भी नहीं होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो
ऊपर नीचे तरीके से कटिंग कर देते हैं और बिल्कुल भी कस्टमर उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो गाइज प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी कार पे इतना सारा पैसा खर्च करने से पहले, अपना हार्ड एंड मनी खर्च करने से पहले, आप एक अच्छा ब्रांड चूज़ कीजिए PPF का। उस ब्रांड के साथ साथ जहाँ पे भी आप PPF लगवा रहे हो, पहले उस जगह को चेक कीजिए, उसके बाद ही आप वहाँ जाइए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। मतलब पूरी कार आप इसकी देख सकते हो, कार इसमें काफ़ी सारी जगह पे कंप्लेंट्स है, काफ़ी सारी जगह पे बबल्स है। तो अभी तो सबसे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि जो ये PPF कस्टमर ने करवाई है, इसको उतारते वक्त पेंट डैमेज ना हो जाए, तो ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस PPF को उतारते हुए ऐसा कुछ ना हो, बहुत आराम से इस PPF को रिमूव किया जाए। तो एक ओवरऑल आप इसका बोनट की भी कंडीशन देख सकते हो, अच्छे तरीके से टक भी नहीं किए गए हैं और हल जगह जगह से बबल्स आके वो पूरे क्रैक हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसकी पूरी PPF की, पूरी कार की कंडीशन देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग एक PPF, और ये देखो ये कॉर्नर्स भी देखो, उसी के साथ साथ मैं इस कार पे आपको एक PPF का पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि जब हमारे पास कार आती है तब हम लोग क्या क्या प्रोसेस जो ज़रूरी होते हैं प्रोसेस वो हम लोग करते हैं। वॉशिंग प्रोसेस है, पेंट करेक्शन प्रोसेस है, या कैसे एप्लीकेशन की जाती है, उसके बाद एप्लीकेशन होने के बाद भी क्या चीज़ की जाती है, वो सारा प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो गाइज जैसे ही कार कंप्लीट होती है मैं आप लोगों के साथ प्रोसेस के साथ साथ फिर से मिलते हैं जल्दी से। तो गाइज फाइनली कास्ट आयरन पे सर की कार कंप्लीट हो गई है, जिसको हम लोगों ने गरवारे का पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इंस्टॉल किया है। इसके अंदर हम लोगों ने प्लस सीरीज इंस्टॉल किया है। प्लस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, 180 माइक्रॉन्स और सेल्फ हीलिंग। तो अभी आप पूरी कंडीशन देख सकते हो कार की, कि जब हम इस कार को, जैसे कि आप ऑलरेडी प्रोसेस भी इसका देख चुके हो, जैसे जैसे हम लोग पीस को उतारे थे वैसे वैसे हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं से पेंट ना उतरे। बट आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस साइड से थोड़ा सा पेंट उतर गया था बिकॉज ऑफ उस PPF की वजह से। इसके अलावा आप बाकी सारे पार्ट्स चेकआउट कीजिए, कहीं पे भी कोई भी आपको छोटा सा भी एयर बबल वगैरह कहीं भी नहीं मिलने वाला है। फिनिशिंग बहुत मैटर करती है, PPF हर कोई लगाता है, हर कोई हर काम करता है, बट मैटर करता है कि उसकी फिनिशिंग किस तरीके से आई है। तो अब जल्दी से मिलते हैं इस कार के ऑनर से। गाइज मीट मिस्टर आरजू। और यू नो वर्ड, जब मैंने सर का जॉब कार्ड भी ओपन किया था और अभी मैंने इनका नाम लिया ना आरजू, तो मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, सर आपकी आरजू क्या है? मैम मेरी आरजू ये है कि पंजाब में मेरी आरजू पूरी नहीं हुई, फाइनली दिल्ली में आके हो गई। मैंने पंजाब से, जलंधर से PPF कराई थी, बट वो PPF मतलब बिल्कुल ही वर्थ थी। मतलब मैंने कस्टमर को दिखाया, अपने व्यूअर्स को पूरी वीडियो दिखाई है, एक एक पार्ट उनका पूरा दिखाया है, तो मेरे व्यूअर्स ने पूरा पूरा देखा है। जी जी। तो आप बोलना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आरजू आपकी कंप्लीट दिल्ली कार स्टाइलिंग पे आके हुई है मेरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। आप करते हैं इस वीडियो को एंड, और पूरा प्रोसेस आपने देखा है, हर एक चीज मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ क्वेरी हो और अपना कोई भी स्लॉट बुक करना, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर रहेगा 7271939393। और लोकेशन आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, चाहे आप हमारे दिल्ली आउटलेट पे विजिट करना चाहते हैं, नोएडा, गुड़गांव, पटना और अब तो देहरादून भी है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो, या एक एक पार्ट जो जिस तरीके से हम लोगों ने इस कार पे वर्क किया, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर दीजिए। फिर से मिलता है एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू कार के साथ, एक न्यू लोकेशन के साथ और एक न्यू कस्टमर के साथ। अब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।